सारथी। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। अगर आपके पास व्यावसायिक वाहन है लेकिन उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिए, क्योंकि परिवहन विभाग अब ऐसे सभी वाहनों को पकड़ने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब ऐसे वाहन तीसरी आंख से नहीं बच पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में आने वाले ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करने को तैयार है। विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माना भी वसूलेगा। आपको बता दें कि संभल जिले में ऐसे अनेकों वाहन सड़क पर सरपट दौड़ रहे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। विभाग ऐसे वाहन मालिकों को पूर्व में कई बार सचेत कर चुका है, वो अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, लेकिन वाहन मालिक अभी तक अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा सके हैं। वाहन मालिकों की इस मनमानी के खिलाफ परिवहन विभाग इनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। परिवहन विभाग ऐसे सभी व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। यह अभियान एक सप्ताह से बढ़ाकर आगे भी किया जाएगा। बहरहाल विभाग की इस पहल के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले व्यावसायिक वाहन विभाग की पकड़ से बच नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यावसायिक वाहन जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं उस पर एक अभियान चलाया जा रहा है। स्थलों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई, और ये भविष्य में अनवरत पूरे जनपद में होगा। किस तरह की इसमें कार्रवाई होगी? इसमें चालान की कार्रवाई होगी, इसके एसएसआरपी न लगे होने से 5,000 की कार्रवाई होती है। अभी काफी संख्या है इनकी। संवाददाता रईस अरवी संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन कुमार एआरटीओ फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, इस पर इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी। साथ ही साथ अब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसआरपी को फुल फॉर्म में आपको बताऊं, मैं आरआई कैप्टन हूं, एआरटीओ ऑफिस फरुखाबाद से बात कर रहा हूं। हां जी। एसएसआरपी का फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। हाई सिक्योरिटी इस गाड़ी के ऊपर जब हम इसको इंटैक्ट करते हैं एसएसआरपी को, तो उस गाड़ी के साथ रिवेटिंग होनी चाहिए, साथ में उसके ऊपर एक थर्ड नंबर प्लेट होता है जो स्पीकर होता है, वो गाड़ी को विंड स्क्रीन में अंदर जीवन कुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश आपको करते हैं। रईस अरवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हैं। रईस, अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी आपको? हाँ, एक तो सीसीटीवी कैमरे से हो, पूरी बारकोड रीडर होता है और साथ में उसमें यूनिक नंबर जनरेट होता है, तो आपका आरसी में भी इनकॉर्पोरेटेड होता है। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें वो नंबर मेंशन होता है, तो इन सब चीज़ों से उसमें एक व्हीकल को एक ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी मिलती है, और उस सिक्योरिटी के चलते गाड़ी अगर बाइचांस कभी चोरी होती है तो उसको ग्रफ्ट में लेने के लिए थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि आप रोड में चल रहे हैं, हेलमेट लगाने के लिए भी इन्फोर्समेंट करना पड़ रहा है, इसी तरीके से एसएसआरपी प्लेट के लिए भी आरटीओ डिपार्टमेंट को या जो जितने भी और स्टेक होल्डर होते हैं उनको सभी को इन्फोर्समेंट करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा इस चैनल के जरिए मैं लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एसएसआरपी आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करने से आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। आप इसको ये ना मानिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी है और आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे साथ भी आप जितनी जल्दी हो उसको आप लगवा लीजिए गाड़ी।
ठीक है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई के मूड में भी एआरटीओ विभाग जो है वो नजर हाँ, आ रहा है कि वो कार्रवाई भी करेगा। अभी अभी मैं जो कमर्शियल व्हीकल या जो भी गाड़ियां मेरे पास फिटनेस के लिए आते हैं उन गाड़ियों में अगर एसएसआरपी नहीं है या एसएसआरपी उसकी अपलोड नहीं है सिस्टम पे, तो हम उसकी फिटनेस नहीं दे रहे हैं। हम फिटनेस तभी दे रहे हैं जब एसएसआरपी उस पे इंस्टॉल है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो टोटली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय ने एकदम से उसको कर रखा है कि जब जो गाड़ी में अगर एसएसआरपी प्लेट इंस्टॉल नहीं होगी तो उसकी फिटनेस नहीं करनी है। तो हम लोग फिटनेस नहीं दे रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पवन तिवारी संवाददाता जुड़ा हुआ लखनऊ से। पवन, लखनऊ की बात करें और सुबह की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लगातार परिवहन विभाग जो है वो कवायद को तेज करता हुआ आप कार्रवाई भी करेगा। लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं इस हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर लगवाने में, और जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनसे बातचीत की है कि क्या रीजन है क्यों नहीं लगवा रहे? जी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जो तिथि थी जून में वो खत्म हो गई, उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो वाहन स्वामी है उन्होंने अभी एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई है। बात की जाए आरटीओ कार्यालय की, तो हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक खबर भी की थी जिसमें खुद आरटीओ की जो गाड़ी थी जिसे वो खुद चलते थे उसमें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा था। जब हमने खबर की तो उसके बाद वो जागे और उन्होंने अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया और आरटीओ ने साफ तौर से कहा कि लगातार कार्रवाई जारी है, इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। पहली बार चालान जब होगा तो 5,000 का होगा, दूसरी बार चालान 10,000 का किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एक भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, इसके बावजूद भी अभी बड़ी संख्या में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामी नहीं लगवा पा रहे। इसमें कुछ तो कारण यह है कि गाड़ी उनकी पुरानी हो गई और कंपनी वो बंद हो गई, इससे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उनका नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो है अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं और उसमें जागरूकता का अभाव है कि पुराने नंबर प्लेट उनका काम चल जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई बड़ा अभियान नहीं चला जिससे कि लोगों के मन में कोई ऐसा खौफ हो। कह तो दिया गया है लेकिन अभी बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में यहाँ पर चला नहीं काटे गए हैं या जो है जागरूकता की भी कुछ कमी साफ तौर से नजर आती है। जब आरटीओ कार्यालय में खुद ही आरटीओ की कई गाड़ियां हैं जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा, तो फिर आम पब्लिक की क्या बात की जाए? आम पब्लिक तो वैसे ही जब तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती वो उसको सचेत नहीं होती। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर लखनऊ की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बड़ी संख्या में गाड़ियां देखी जा सकती है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस संभल की बात करें तो यहाँ पर लोग कितना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जागरूक हैं, लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं, क्या रीजन है कि नहीं लगवा रहे हैं, साथ ही साथ जो परिवहन विभाग है वो किस तरीके से आगे अपनी कार्रवाई कर, अब चूंकि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी? देखिए मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल में फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो या सिक्स व्हीलर जो भी वाहन है उन वाहनों के लिए जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको लगाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है और जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एआरटीओ को कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना प्लेट के जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है वो लगाने में अनुमान है, कोई भी अगर बिना प्लेट के पाए जाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीसीटीवी हर चौराहों पर हर जगहों पर जहाँ चौराहे हैं चौराया है वहां पर निगरानी गई है या केंद्र बूथ है पुलिस बूथ है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, उनकी निगरानी से देखी जा रही है जिसके पास जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जनपद संभल में लगभग 5% हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले जो वाहन है वो दिखाई देते हैं, 40% जो वाहन है वो बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के चल रहे हैं। यहाँ तक पुलिस प्रशासन हो आगे हो या अन्य विभागों में हो वहां पर भी कोई भी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर प्रशासन अगर अनदेखी करेगा तो आम जनता तो कहा क्या कर सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रशासन पे लगाम लगाया जाए, अपने प्रशासन को भी चिन्हित किया जाए, उसकी हाई सिक्योरिटी प्लेट बनाई जाए, जाकर जो है अपनी जनता जनता के लिए अपील की जाए, तब जाकर कहीं जनता जो है अपनी जो है हाई सिक्योरिटी प्लेट लगा जाएगी। जी ठीक है, जीवन कुमार जी यहाँ पर देखिए हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि परिवहन विभाग की जो खुद की गाड़ियां जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं उनमें नंबर प्लेट ये वाली हाई सिक्योरिटी की नहीं पड़ी है, तो जब खुद ही अनुपालन नहीं करेंगे तो जनता से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप? उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी आरसी हम लोग सभी काम करते हैं जब तक उसका एचएसआरपी प्लेट पे अपलोड नहीं हो जाती है। एचएसआरपी जो आरसी का प्रिंट आउट है जब तक उसमें एचएसआरपी अपलोड होते और उसमें अपडेट नहीं हो जाती एचएसआरसी प्रिंट आउट ही नहीं निकलता है। अभी तो सिस्टम में इतना इंकॉर्पोरेटेड है कि हम आरसी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के बाद तो हम आरसी देते ही नहीं, आरसी मिल ही नहीं सकती जब तक उसकी एचएसआरपी प्लेट अपलोड नहीं होती है। तो ये तो बात एकदम सत्य है कि एचएसआरपी के बिना आरसी नहीं दे सकते, सिस्टम में इंकॉर्पोरेट
इसमें कोई डाउट नहीं। रही बात फिटनेस के लिए गाड़ियां, जो गाड़ियां फिटनेस के लिए होती है फोटोग्राफ खींचने के बाद ही फिटनेस होती है, वो गाड़ी एआरटीओ ऑफिस के लोकेशन में आती है, उसके छह फोटोग्राफ होते हैं, उन फोटोग्राफ में रियर और फ्रंट की फोटोग्राफ होती है जिसमें कि एचएसआरपी गाड़ी में लगी होती है, उसके बाद ही फिटनेस होती है। एआरटीओ ऑफिस के लेवल में जहां फिटनेस अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं वो इस चीज़ को, मैं अपना खुद बता सकता हूँ कि मैं जब तक उसकी फोटोग्राफी नहीं होती है फिटनेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप के जरिए फिटनेस होती है, तो गाड़ी बिना एआरटीओ ऑफिस के आए बिना फिटनेस होने का कोई चांस नहीं है। और फिर जब फोटोग्राफी होती है तो उसकी चार फोटोग्राफ छह फोटोग्राफ होते हैं, रियर फ्रंट लेफ्ट राइट एंड इवन डैशबोर्ड। तो लेफ्ट राइट जब हम फ्रंट या रियर का फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें एचएसआरपी इंस्टॉल है, ये एविडेंस है आप लोगों को देखने के लिए, ये बेटा हमारे पास सिस्टम पे वाहन पोर्टल पे अवेलेबल है। जीवन कुमार जी देखिए एक चीज ये भी निकल कर आई कि भाई फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल मई जून, जून आखिरी था, अब करते करते हम नवंबर में। मैडम ये हाँ जो फिक्स टाइमिंग है वो निकलने के बाद भी अगर मेरे पास जो गाड़ी, मैं टेक्निकल अफसर होने के बाद अगर जो गाड़ियां मेरे पास फिटनेस के लिए आ रही है उसको हम लोग टोटली 100% एचएसआरपी एंश्योर करने के बाद ही फिटनेस कर रहे हैं। नहीं, नवंबर में आ गए हैं हम, अभी भी मतलब आप समझिए ना कि लोग हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर जो है वो नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या कारण है? और या तो या एक सेकंड जीवन जी, या तो आप उन पर सख्ती नहीं दिखा पा रहे, अगर आप सोचिए ना फरवरी से लेकर हम नवंबर में आ गए हैं फिर भी आज हमें इस पर बातचीत करनी पड़ रही है, चालान फरवरी में भी कटना शुरू हो गए थे, चालान का कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब टोल है इसमें आरटीओ ऑफिस में जब गाड़ी फिटनेस आ रही है उसमें 100% हम लोग एचएसआरपी फिक्स करवा रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है बिना फोटोग्राफी के गाड़ी फिटनेस नहीं होती है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हमारे पास जब गाड़ी फिटनेस के लिए आ रही है तो हम बिना एचएसआरपी के क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, पवन तिवारी अगर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, नवंबर में आकर आज हम खड़े हैं, आज हमको इस पर फिर से बातचीत करनी पड़ रही है, लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे हैं, चालानी कार्रवाई पहले भी की जा रही थी 5,000-10,000 की, वो अभी भी की जा रही है, तो क्या वजह है कि लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे और कैसे अब पालन होगा? देखिए इसमें कहीं ना कहीं यातायात प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आती है, क्योंकि वो लोग जो यातायात पर लगाए गए हैं ड्यूटी पर वो लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए आरटीओ ऑफिस की, तो आरटीओ ऑफिस में जो गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस नहीं होने दी जा रही, ये तो नई गाड़ियों की या जो कमर्शियल गाड़ी उनकी की फिटनेस होती है और वो वहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो लगवा रहे हैं, तो बात सही है। लेकिन जो यातायात पुलिस है जिसका रोल इसमें एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने में है और जो पुलिस का रोल है वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनके साफ तौर से नजर आ रही है, और वही अगर देखा जाए तो जो आम नागरिक है उनमें जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की बात कही जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि गाड़ियां कभी चोरी हो जाती है और निकलती है टोल प्लाजा पर तो उनकी गाड़ियों का नंबर प्लेट पुराना होने की वजह से तो उसमें जो सीसीटीवी लगे हैं वो कवर नहीं कर पाता है, अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग रही हो या चोरी की हो तो वो सारी चीजें जो है जो टोल प्लाजा या जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत होगी, लेकिन लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से चालान ज्यादा होगा, इसलिए चालान से बचने के लिए वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो यातायात पुलिस है वो अभी इस पर नकेल नहीं कस पाई है, प्रशासन लगातार जो है चेतावनी दे रहा है, जून का महीना उसने अंतिम तारीख घोषित की थी, उसके बाद भी अभी सड़कों पर देखा जाए तो बड़ी संख्या में हाई बिना एचएसआरपी के गाड़ियां दौड़ रही है, तो लोगों में जागरूकता का अभाव है, उनका साफ तौर से यही मानना है कि अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो हम लोग कैमरे की रेंज में ज्यादा आएंगे, चालान ज्यादा होगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चालक है, पदचालक है और जो वाहन स्वामी है उनके मन में एक खौफ है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से उनकी गाड़ियों में चालान ज्यादा होंगे, लेकिन जो उससे सुरक्षा मिलने वाली है उनको उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो यातायात विभाग है आरटीओ विभाग है उसको जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है कि पब्लिक को जागरूक करें कि एचएसआरपी प्लेट लगाने से उनका चालान नहीं होगा बल्कि उनकी गाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था में पुख्ता होगी। जी ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में, आज हम बात कर रहे हैं एटीओ विभाग हाई
एआरटीओ परिवहन विभाग जो है वो लगातार, अधिकारी जो है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कितना जरूरी है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन कुमार जी, देखिए यहाँ पर ये भी जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने चूंकि बातचीत की है तो उनका, लोगों का ऐसा मानना है कि चालान ज्यादा होगा, लेकिन ये उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से है, कितना जरूरी है। ये जागरूकता की कहीं ना कहीं लोगों में कमी है, तो जागरूक करने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई मुहिम शुरू करनी पड़ेगी ताकि लोग इसको लेकर थोड़ा अवेयर हो पाए। मैडम, ये सुरक्षा सप्ताह हम लोग हमेशा आयोजित करते हैं, उन सुरक्षा सप्ताह में मैं पर्टिकुलरली अपना जब भी मैं इस टाइप से कोई मीटिंग कर रहा हूँ या स्कूल में जाके कर रहा हूँ या स्कूल बसेस की सक्सेस के लिए जा रहा हूँ, तो उसी बीच में मैं ये जरूर बोलता हूँ कि एचएसआरपी प्लेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके वाहन की सुरक्षा के लिए है। जैसे कि आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाए तो उसको एचएसआरपी नहीं होगी तो उसको चोर इमीडिएटली किसी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और सिक्योरिटी के जरिए से है, जिस टाइप से हेलमेट है, हेलमेट लगाने से लोगों को आपकी खुद की सुरक्षा मिलती है, उसके पीछे भी फिर भी लोगों को एनफोर्समेंट की कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसी तरीके से एचएसआरपी का है, लोगों में ये गलत वह है कि उनका एचएसआरपी होने से उनका चालान हो जाएगा या जो ऑटोमेटिक कैमरा है उसको डिटेक्ट करके उनके चालान कर देंगे, तो चालान करें, चालान अगर उनका होगा तो वो भी कोई ऑफेंस की वजह से होगा। अगर वो हाई जहाँ से कोई सिग्नल को वायलेट कर रहे हैं या कोई रोड सेफ्टी के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो उसी दृष्टि में तो उनका चालान होगा, अदरवाइज क्यों चालान होगा। चालान उस केस में होगा कि वो सिग्नल को ओवर रूट कर रहे हैं या हाई स्पीड से जहाँ स्पीड की लिमिट है उस स्पीड हैवी स्पीड से हाई स्पीड से उसको क्रॉस कर रहे हैं उस एरिया को पर्टिकुलरली, तभी उसका चालान होगा। तो चालान का लोगों में जो गलत भय है वो ऑफेंस, चालान तो हमेशा ऑफेंस की वजह से होता है, लेकिन लोग जब ऑफेंस ही कमिट नहीं करेंगे तो चालान क्यों होगा उनका। लेकिन उनको ये बात हमेशा जाननी चाहिए कि जो गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो इंस्टॉल कराने से उनकी गाड़ी की सुरक्षा है, और थेफ्ट अगेंस्ट वो है उनका दूसरा जो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो भी उनको जानकारी कम है लोगों को कि वो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है, वो डीलर्स उनको देते हैं लेकिन वो एक स्टीकर समझ के उसको फेंक देते हैं, वो केवल प्लेट रखते हैं रियर और फ्रंट की, और जो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है जो स्टीकर टाइप प्लेट है जिसमें कि जो गम है वो रिवर्स साइड में लगा होता है और वो उसको विंड स्क्रीन के आगे फ्रंट विंड स्क्रीन में कार में अंदर से चिपकाना है या बड़े अंदर से चिपकाना है, तो वो समझते हैं कि स्टीकर है और उसको तो उनको ये मैं इस चैनल के जरिए और आप लोगों के लोगों को बताना चाहता हूँ कि थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की दो रजिस्ट्रेशन प्लेट फ्रंट और रेयर की आवश्यक है, उतनी ही थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट भी आवश्यक है। जो स्पीकर है वो गाड़ी के अंदर से चिपकता है तो वो ज्यादा सिक्योर होता है, और वो थ्री डायमेंशन में प्रिंट है तो वो ज्यादा सिक्योर है, उसको स्कैन करने से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो गाड़ी के हाँ, लेकिन देखिए जीवन जी, ये आपको ही तो बताना पड़ेगा ना, आप ही तो जागरूक करेंगे, आपकी परिवहन विभाग की तरफ से अगर लोगों में जागरूकता फैलेगी तो लोग इस बात को समझेंगे। कार्यक्रम है या जो भी है उसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग हमेशा कंटिन्यूअसली ये एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ जी, कि लोगों को थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में भी जानकारी हो। बिल्कुल रईस जी, अगर मैं बात करूं संभल की तो यहाँ पर लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर? देखिए मैं बता जाऊंगा, अगर हम संभल की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल 10% जो भान स्वामी है वो जागरूक है, यहाँ पर 90% अभी जो भान स्वामी है उनको यही नहीं पता कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, कहाँ से ऑनलाइन करी जाती है, कैसे क्योंकि अगर वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो जाति क्षेत्र के लोग होते हैं उनको भी मालूम हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर हम कैसे इसे अप्लाई करें, कैसे हम जाए, कहां पर लगती है, उन्हें कुछ भी एबीसी की नहीं मालूम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यातायात का प्रशासन या परिवार वाहन को अभी अभियान चलाने की जरूरत, अभियान चलाया जाए गांव गांव शहर शहर गली मोहल्लों में जिससे जो वाहन स्वामी है जागरूक हो जाए और हाई नंबर प्लेट लगवाए, जिससे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अगर कोई घटना होती है तो वो आ जाए,
क्योंकि अब ऐसी नंबर प्लेट आ रही है कि कोई उस पर अपना नाम लिखवा लेता है तो कोई उस पर अपना धर्म या गुरु नाम लिखवा लेता है, जिससे जो है नंबर प्लेट चले। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। खासकर जीवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस नंबर प्लेट को लगवाने से आपकी ही सुरक्षा होगी। अगर आपका कभी वाहन चोरी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इजीली आप उस गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। ये तमाम फायदे जो हैं वो होंगे, और चालानी कार्रवाई से बचने के लिए कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।